हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग. माई सेल्फ राकेश यादव रिप्रेजेंटिंग सांदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा. वी आर डिस्कसिंग अवर चैप्टर 5 रिलेटेड टू क्लास 12. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इज द टॉपिक्स नेम एंड वी आर प्रोसीडिंग विद अवर एक्सरसाइज 5.3 ऑफ NCERT. हियर क्वेश्चन इज फाइंड dy बाई dx इन द फॉलोइंग. वी आर डिस्कसिंग नाउ क्वेश्चन नंबर 14 बिकॉज अप टू क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव डन ऑलरेडी इन अवर प्रीवियस पार्ट. सो इट इज y is equal to sine inverse in square brackets 2x root 1 minus x square, square bracket closed, and the interval is in between minus 1 by root 2 and 1 by root 2. So, and here minus 1 by root 2 and 1 by root 2 both are not included in it, because in case of inverse trigonometry they are not included. In case of trigonometry we may write it in the closed interval manner. Here it is in the form of open interval. So, सबसे पहले क्वेश्चन जो दे रखा है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है. हम यहाँ पर जैसा कि फॉर्मूला बेस्ड पार्ट जो है वो ये बताता है कि अगर यहाँ पर हम लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा कंसिडर करते हैं तो साइन थीटा कंसिडर करने पर क्या होता है, लेट अस सी. 2 साइन थीटा और यहाँ पर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जिसको कि हम रूट से बाहर लाएंगे तो वो कॉस थीटा हो जाएगा. तो ये कहीं ना कहीं रूट वाली क्वांटिटी को फिनिश करने में हेल्प कर रहा है. और वो जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है फिर उसको हम कहीं साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा के फॉर्म में. तो इसलिए हमने एक्स को साइन थीटा कंसिडर किया यहाँ पर इस केस में. तो ये एक्स को साइन थीटा हम इसमें पुट करके देखते हैं, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एंड इन ब्रैकेट वी मे राइट रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. देन इट विल बी रिटन एज साइन इनवर्स, ये हमने एक्स की जगह पर साइन थीटा पुट कर दिया दोनों जगह पर, यहाँ एक्स स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया है. 2 साइन थीटा एज इट इज लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम रूट में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ उस एप्लीकेबल फॉर्मूले को आप हमेशा लिखा करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा कंसिडर नहीं किया, ये अप्लाइड फॉर्मूला है यहाँ पर. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो वो कॉस थीटा हो जाएगा. देन इट विल बी वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर है. अगर ये रूट से बाहर आएगा तो ये स्क्वायर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा. 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा. यहाँ पर भी हमको रीजन मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो साइन 2 थीटा है, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का. तो यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, देन इट विल बिकम वाई इज इक्वल टू 2 थीटा. अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर थीटा अगर हम इसमें से कैलकुलेट करेंगे तो वो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये साइन RHS से LHS में शिफ्ट करेंगे तो ये साइन इनवर्स के फॉर्म में आता है, जैसा कि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है. तो वाई इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, y is equal to 2 sin inverse x means now we are able to differentiate it because it is in a very convenient manner. Now we can apply the formula directly. ये यहाँ पर हम इतना सब कुछ जो करते हैं इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है कि अगर हम इसमें inverse trigonometry या trigonometry के कुछ formula use करके इसको simplify कर सकते हैं तो simplified form का differentiation comparatively easy होता है. तो इसलिए हमने यहाँ पर एक कंसिडरेशन के थ्रू मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इस क्वेश्चन को इजी बना लिया. अब यहाँ पर dy बाई dx हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा d by dx of sin inverse x. तो जैसा कि आप जानते हैं sin inverse x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले बताए थे,
साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 − x² होता है, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो 1/√1 − x² का जब 2 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2/√1 − x² हो जाएगा ये। सो दिस इज आवर कंक्लूजन, ये हमारे क्वेश्चन का रिजल्ट होगा, इट इज ओवर। नाउ सी आवर क्वेश्चन नंबर 15, इट इज y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/√2 − x² तो यहाँ पर हम जो कंसीडर करेंगे वो x इज इक्वल टू cos थीटा कंसीडर करेंगे। इसके पीछे रीजन है कि 2 cos² θ − 1 का फॉर्मूला तो है, यहाँ sin थीटा लिख नहीं सकते क्योंकि 2 sin² θ − 1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ sec थीटा भी नहीं लिख सकते, 2 sec² θ − 1 का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए इसको हम सीधे x की जगह पर अगर cos थीटा रखते हैं तो 2 cos² θ − 1 कोई फॉर्मूला होता है जिसको कि हम cos²θ के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको x को यहाँ पर cos थीटा कंसीडर किया। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/√2 cos²θ − 1, ये फॉर्मूला ऐसा, यहाँ पर 2 cos²θ − 1 जो है ये फॉर्मूले के फॉर्म में लिख करके इसको हम sec इनवर्स 1/cos²θ लिख सकते हैं। जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो हमको यहाँ साइड वाइज मेंशन करना होता है, 2 cos²θ − 1 इज इक्वल टू cos²θ, वी हैव कंसिडर्ड इट दैट हियर वन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, दैट इज 2 cos²θ − 1 विच इज cos²θ, ड्यू टू दिस कंसिडरेशन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल हियर। नाउ 1/cos²θ इज sec²θ, सो y इज इक्वल टू sec इनवर्स sec²θ, वी मे राइट, यहाँ पर भी हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज 1/sec²θ इज इक्वल टू cos²θ, सॉरी 1/cos²θ इज इक्वल टू sec²θ, cos²θ का रेसिप्रोकल जो है वो sec²θ होता है, तो इसलिए इसको हमने sec²θ के फॉर्म में लिया है। यहाँ पर ये sec इनवर्स sec²θ के फॉर्म में आ गया, अब इसको हम लिख सकते हैं 2θ, बिकॉज थीटा की जगह पर यहाँ पर 2θ है, तो ये sec इनवर्स sec कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 2θ, इसको प्रैक्टिकली कैंसिल नहीं करते हैं कभी भी, इसको डायरेक्टली फिर अब 2θ लिख देंगे हम। नाउ वी कैन असाइन इट डी वाई इज इक्वल टू टू, सॉरी नॉट डी, वाई इज इक्वल टू टू, वॉट इज द वैल्यू ऑफ थीटा अकॉर्डिंग टू आवर कंसिडरेशन, थीटा इज इक्वल टू कोसेक कॉस इनवर्स एक्स, बिकॉज दिस कॉस इज वेन शिफ्टेड फ्रॉम RHS टू LHS, देन इट विल बिकम कॉस इनवर्स, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, वी मे राइट हियर, सो इट विल बिकम 2 cos² x। नाउ 2 cos² x कैन बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज नाउ बेसिकली इट इज द फंक्शन ऑफ x ओनली इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, सो लेट अस फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम 2 को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि 2 फंक्शन ऑफ x नहीं है, 2 को बाहर किया, इट इज़ कॉन्स्टेंट वैल्यू, डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, जैसा कि आप जानते हैं sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/√1 − x² होता है, तो cos इनवर्स x में −1/√1 − x² होता है, तो इसके हिसाब से हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी मे राइट नाउ 2 − −1/√1 − x², सो 2 − −1 = −2, सो इट विल बी −2/√1 − x². सो नाउ आवर एक्सरसाइज 5.3 इज कंप्लीटेड, नाउ वी विल प्रोसीड विद आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। मैं एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले लॉग से रिलेटेड बता देना चाहता हूँ कि अगर हम log x base y को
बेस चेंज करने के लिए कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं log x बेस a अपॉन log y बेस a। ये एक फॉर्मूला होता है कि लॉगरिथम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, अगर मान लीजिए सपोज एक और फॉर्मूला होता है, ये तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि log x बेस y का अगर हमको बेस चेंज करना है, मीन्स y से हमको अगर a बेस करना है दोनों का, तो हम इसको लिखेंगे log x बेस a और ये जो यहाँ लिखा है बेस उसको अपॉन में लिख करके ये बेस a फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। तो एक फार्मूला ये हम लिख सकते हैं, एक मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ कि x रेज टू द पावर y इज इक्वल टू a है या e रेज टू द पावर y है। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझिए आप कि 10 का स्क्वायर जो है वो 100 के बराबर होता है, तो हम लिखते हैं log 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2। अब अगर हम यहाँ पर x लिखें और इसको हम असाइन करें a रेज टू द पावर y, तो जो आपको ये वाला पार्ट मिलता है y, ये यहाँ पर चला जाता है और ये log x के साथ में a यहाँ आ जाता है। मीन्स जैसे कि हमने इससे समझा 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये एक डेफिनेशन होती है log की, उस डेफिनेशन के हिसाब से ये डेफिनेशन ऑफ द लॉगरिथम का फॉर्मूला है कि अगर a रेज टू द पावर y x के बराबर होता है तो log x बेस a, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, तो जो पावर रहता है वो इक्वल टू में आ जाता है। तो log x बेस a इज इक्वल टू y, देन a रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x, मतलब ये log को इस फॉर्म में चेंज करना और इस फॉर्म को log में चेंज करना दोनों के लिए यूज हो सकता है। एक और फॉर्मूला मैं आपको डिस्कस करूंगा थर्ड, दैट इज log m इंटू n बेस a इज इक्वल टू log m प्लस log n, log m बेस a प्लस log n बेस a, इसको हम log m बेस a के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको और क्लियर मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ, प्रॉपर मैनर में अगर इसको हम लिखेंगे तो ये log थर्ड वाला फॉर्मूला log m इंटू n बेस a के फॉर्म में अगर होता है तो उसको हम लिखते हैं log m बेस a प्लस log n बेस a। ऐसे ही एक और फॉर्मूला है फोर्थ, log m रेज टू द पावर m बेस a अगर होता है तो इसको हम लिखते हैं n log m बेस a, इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसको। अब अगर एक और फॉर्मूला भी हम मेंशन कर सकते हैं फिफ्थ, अगर ये डिवीजन के फॉर्म में हो, log m अपॉन n बेस a होता है तो इसको हम लिख सकते हैं log m बेस a माइनस log n बेस a। ये लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ये मैंने एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाया था, ये एग्जांपल है कंसीडरेशन के लिए और ये उससे रिलेटेड डेफिनेशन से जो बन लॉग से रिलेटेड डेफिनेशन है उससे बनने वाला फॉर्मूला। तो इस टाइप से हम ये 4-5 फॉर्मूले हमको माइंड में रखना होंगे इस एक्सरसाइज में, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि बिना लॉग से ही डिफ्रेंशिएट करें, लेकिन इसके बाद वाली एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले बहुत यूटिलिटी वाले प्रूव हो जाएंगे। सो नाउ वी मे प्रोसीड विद अवर एक्सरसाइज। नाउ सी अवर क्वेश्चन नंबर 1, e रेज टू द पावर x अपॉन साइन x, लेट y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x अपॉन साइन x, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज अवर हेडिंग। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस विल बिकम dy by dx इज इक्वल टू d by dx of e raised to the power x upon sin x। हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर y का हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d by dx of e raised to the power x upon sin x है,
या हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है d by dx of f1x in upon f2x is equal to denominator into d by dx of numerator minus numerator into d by dx of denominator upon square of denominator. This is the formula for case of division. In case of division we will have to apply this formula. यहाँ हमको अगर division के form में कुछ दिया होता है तो हम जो formula लगाते हैं वो denominator into d by dx of numerator minus numerator into d by dx of denominator upon denominator का square. इस टाइप से इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। हमको यहाँ पर न्यूमरेटर के रूप में e रेज टू पावर x है और डिनोमिनेटर में साइन x है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये अप्लाइड फार्मूला है, इसको आप जब भी कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसको मेंशन ज़रूर करना है हमको। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पॉइंट है। सपोज़ कीजिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इन बिटवीन आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं काफ़ी जगह पर, एक दो तीन जगह पर, तो जहाँ तक सॉल्व किया है उसमें जो फॉर्मूले वाला पार्ट है उसमें आपकी मार्किंग 110% होगी, क्योंकि क्या है आपने फॉर्मूला तो मेंशन किया है, कहीं साइन मिस्टेक या कोई सी दूसरी मिस्टेक होती है तो उस मिस्टेक के मार्क्स कटे तो इट इज़ कंसिडरेबल, बट फॉर फॉर्मूला यू विल गेट द मार्क्स। सो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर हमारा साइन एक्स है, d by dx of numerator that is e raised to the power x minus numerator that is equal to e raised to the power x, d by dx of denominator means d by dx of sin x upon denominator square, denominator square that is sin x square, तो sin x का square sin square x होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, denominator लिखा, देखिए denominator हमारे पास sin x था, फिर d by dx of numerator लिखा, डी बाई डी एक्स यहाँ पर ये न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर की जगह पर हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स था, फिर माइनस न्यूमरेटर लिखा दैट इज एफ वन एक्स, यहाँ पर न्यूमरेटर ई रेस टू पावर एक्स था, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लिखा, डिनोमिनेटर यहाँ एफ टू एक्स है, यहाँ डिनोमिनेटर साइन एक्स है तो हमने साइन एक्स लिखा, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर है मीन्स साइन स्क्वायर एक्स। नाउ यू में अप्लाई द फॉर्मूला फॉर डिफ्रेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स, विच डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स दैट इज ई रेस टू पावर एक्स ओनली, तो ई रेस टू पावर एक्स के साथ में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखना होता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखना होता है, तो ई रेस टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, यहाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दैट विल बी कॉस एक्स, तो ई रेस टू पावर एक्स के साथ में कॉस एक्स और इसके अपॉन में हमको साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कैलकुलेट होने के बाद आ जाएगा, यहाँ से ई रेज़ टू पावर एक्स कॉमन, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि दोनों टर्म्स में हमारे पास ई रेज़ टू पावर एक्स था तो वी कैन टेक इट कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स, सो ई रेज़ टू पावर एक्स इज व्हेन टेकन कॉमन देन द रिमेनिंग टर्म्स आर साइन एक्स एंड माइनस कॉस एक्स, सो वी हैव रिटन इट एंड इन डिनोमिनेटर इट इज साइन स्क्वायर एक्स अगेन, सो दिस इज आवर फाइनल कंक्लूजन। यह हमारे क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो गया। ना अगेन आई एम टेलिंग दिस क्वेश्चन ओनली बाय अनदर मेथड, मैं इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे तो वो फॉर्मूले हम अप्लाई भी कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर हमको इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला पता था। सपोज करो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला नहीं लगाना है और आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसको सॉल्व करना है, देन इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर दैट लेट y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x अपॉन साइन x, आपने इसको y असाइन किया, y असाइन करने के बाद में ऑन टेकिंग log आप दोनों साइड्स का log ले रहे हैं, तो ऑन टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स आपने दोनों साइड्स का log लिया, तो यहाँ आप लिखेंगे log y इज इक्वल टू log ऑफ e रेज टू पावर x अपॉन साइन x,
तब आप लिखेंगे यहाँ पर log of y is equal to log of e raised to the power x upon sin x. So what we have to do now on differentiating with respect to x. लेकिन क्या हम इसको differentiate कर सकते हैं? नहीं. हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर log का कोई सा formula apply होता है तो सबसे पहले log के उस formula को हमको apply करना चाहिए. तो log m upon n के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले formula बताए थे उधर सारे. तो log m upon n is equal to log m minus log n. So we can write it log y is equal to log e raised to the power x minus log sin x. हमने इसको क्या लिख दिया? log m upon n को हमने लिखा log m minus log n. तो यहां जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो हमको लिखना पड़ेगा log m upon n is equal to log m minus log n. ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है यहां पर. तो log ऑन डिफरेंशिएटिंग अब हम लिख सकते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन, अगर log x होता तो उसको क्या लिखते हैं हम? 1 बाय x. तो log y है तो इसको 1 बाय y लिखेंगे, और y अगर ये x होता तो x का डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ x, तो वो तो 1 होता है. लेकिन चूंकि ये y है तो इसलिए हमको डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना पड़ेगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ y. अगर ये x होता तो d बाई डी एक्स ऑफ x लिखते, वो 1 होता तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी. लेकिन इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये d ये y है, तो इसलिए dy वाई बाई डी एक्स यहाँ पर मैंशन हुआ इज इक्वल टू लॉग e रेस्ट द पावर x का 1 अपॉन e रेस्ट द पावर x. लॉग e की पावर x का हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन e रेस्ट द पावर x. और फिर ये log x का डिफ्रेंशिएशन, ये अगर इसको x कंसीडर करते तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो इसलिए 1 अपॉन e रेस्ट द पावर x लिख दिया. लेकिन क्या ये x है? नहीं है, ये तो e रेस्ट द पावर x है. तो जब ये e रेस्ट द पावर x है तो हमको इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो वी विल हैव टू डिफरेंशिएट दिस ऑल्सो, दैट्स वाई वी आर राइटिंग इट d बाई dx ऑफ e रेस्ट द पावर x. नाउ हियर इट इज log sin x. सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x? लेट अस कंसीडर इट x. So differentiation of log x is 1 by x, that is 1 by sin x, because in place of x here it is sin x. यहाँ log x होता तो उसका differentiation 1 upon x लिखते हैं, लेकिन x की जगह sin x है तो उसका 1 upon sin x लिखा. लेकिन चूंकि x की जगह sin x है तो इस sin x का भी हमको differentiation करना पड़ेगा, that's why we are writing it d by dx of sin x also. अब जब हमने ऐसे लिखा तो फिर इसके बाद इसको proceed करेंगे. तो ये 1 बाय वाई का वाई जो है वो आर एच एस में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको वाई लिख सकते हैं हम. यहां लॉग एन माइनस लॉग एन लगाया था, ये डिफरेंशिएशन किया था 1 बाय एक्स, दैट इज इन ब्रैकेट ई बाय ई रेस्ट टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस्ट टू द पावर एक्स होता है, अपॉन में ई रेस्ट टू द पावर एक्स है, तो ये इससे कैंसिल हो गया. माइनस यहां कैंसिल होकर के 1 आया, माइनस डी, ये 1 बाय साइन एक्स एज इट इज लिखा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो इसके साथ में इनटू में कॉस एक्स भी आएगा. तो अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास? ई रेस टू पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, यही हमने y पुट किया था. तो e raised to the power x upon sin x हमने पुट किया वापस y की जगह पर, और यहां पर हमने लिखा 1 minus cos x upon sin x. अब यहां हम LCM लेंगे तो LCM इसका sin x होगा, that's why it will become dy by dx is equal to e raised to the power x upon sin x into, when we take LCM here, एलसीएम लेने के बाद साइन एक्स एलसीएम आया, 1 के टेबल में साइन एक्स, साइन एक्स टाइम्स में आएगा तो साइन एक्स का 1 में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो दैट इज साइन एक्स ओनली, माइनस व्हेन वी डिवाइड दिस साइन एक्स बाय दिस साइन एक्स अगेन देन इट विल बी 1, व्हेन दिस साइन एक्स इज डिवाइडेड बाय साइन एक्स देन द रिजल्ट विल बी 1, एंड व्हेन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स, जब हमने साइन एक्स को साइन एक्स से डिवाइड किया तो 1 आया था, 1 का कॉस एक्स में इंटू हुआ तो कॉस एक्स हो गया. अब आप इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
ऐसे लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स। एक और बात मुझे बतानी थी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका हर केस में आंसर मैच करवाना हो। आप अगर इसको कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स जो है इसको कॉट एक्स भी लिख सकते थे तो तब भी आपका आंसर ये सही होता ई रेज टू पावर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू वन माइनस कॉट एक्स। अभी भी इसका आंसर ये जो आपने लिखा है ये भी करेक्ट है। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी फॉर्मूला कहीं पर अगर अप्लाई होता है तो आप लगाते हैं तो इट इज़ सो फॉर सो गुड। अगर लगाते हैं आंसर से मैच नहीं करता तो इट डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा आया है वो हमारे पिछले आंसर से मैच कर रहा है तो दिस आंसर इज करेक्ट अगेन। सो इन दिस मैनर आई हैव टोल्ड यू हाउ टू यूज़ द लॉग फॉर एनी फंक्शन। हमको लॉग कैसे यूज़ करना होता है किसी फंक्शन का, यहाँ हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से भी सॉल्व कर सकते थे। तो यही मैं आपको इस आपके चैप्टर के 5.4 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पर ही आज का लेक्चर एंड करता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल लास्ट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। लाइक इट, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल।